तो दोस्तों अब मैं एक लंप साइड पक चुकी है और मैं पलटा देती हूँ और दूसरी साइड भी बढ़िया से पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे मंगौड़े कितने बढ़िया से ब्राउन हो गए हैं और मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अर्चना किचन कानपुर में। तो दोस्तों यहाँ मैंने दाल 2 घंटे पहले फुला दी थी मूंग की, तो आज हम बनाएंगे मूंग के मुंगौड़े। तो दोस्तों सुबह सुबह के नाश्ते में मुंगौड़े खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने आधा किलो दाल ली थी तो 2 घंटे पहले फुला दी थी, अब इसको मैंने अच्छे से धुल ली है और धुल के अब मैं जा रही हूँ मिक्सी के जाल में पीसने। तो यहाँ मैंने मिक्सी का जाल लिया हुआ है और मैं आधी दाल इसमें डाल लेती हूँ और पीस लेती हूँ अच्छे से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दाल पीस ली है और अब मैं दाल में डालूंगी हरी मिर्च और प्याज और हरी धनिया जो मैंने पहले से काट के रख ली थी। तो मैं अब डाल लेती हूँ हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया, प्याज आधा ही डाला है और अब मैं कुछ मसाले इसमें डालूंगी। तो यहाँ मैंने आधी चम्मच लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी धनिया और अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं, बढ़िया से फेंट लेते हैं। जितना ये आप अच्छा फेंटेंगे उतना ही अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया बनेंगे पकौड़ी। तो मैं खूब अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं आधी चम्मच डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो दोस्तों यहाँ मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ अजवाइन और अजवाइन को भी अच्छे से इसे हम सब मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों अब मैं डाल रही हूँ हींग, थोड़ी सी हींग हाजमे के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ दोस्तों मैंने अच्छे से फेंट ली है एकदम बढ़िया से दाल और अब चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने पहले से तेल गरम रख दिया था कढ़ाई में, तो अब मैं छोटी छोटी सी पकौड़ी इसमें बना रही हूँ बढ़िया से बनाऊंगी। दोस्तों मैं धीमी धीमी आंच में पकाऊंगी क्योंकि अंदर तक बढ़िया से पक जाए और करारी करारी सी सिके तो खाने में अच्छी लगेंगी। तो दोस्तों अब मैं एक लंप साइड पक चुकी है और मैं पलटा देती हूँ और दूसरी साइड भी बढ़िया से पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे मंगौड़े कितने बढ़िया से ब्राउन हो गए हैं और मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो यहाँ मैं फिर दूसरे भी तल लेती हूँ। ज्योति तुम तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे मंगौड़े बन गए हैं और मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो दोस्तों कैसी लगी रेसिपी हमारी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों झटपट नाश्ता है बन के रेडी हो गया है, बाय बाय, कल मिलते हैं, थैंक यू।